हेलो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं 23 फीट बाई 37 फीट 850 स्क्वायर फीट 3 BHK हाउस प्लान है। तो इसका जो रिव्यू है वो शेयर करना है। तो किधर क्या पोजीशन है, क्या डिटेल्स है, टोटल में समझा देंगे। तो पहले जो दिख रहे हैं, ये पे आउटसाइड का वॉल मैंने ड्रॉ कर लेंगे। आउटसाइड का वॉल जो है 10 इंच होगा। तो उससे पहले एक बात बोलना है, ये जो हाइट दिख रहा है ये प्लिंथ लेवल है। ये जो है ये GL है। GL से 2 फीट हाइट में हमारा जो फ्लोर लेवल है उसको प्लिंथ लेवल कहते हैं। तो फ्लोर लेवल हमारा 2 फीट है। तो उसके बाद हम इसको वॉल को ड्रा कर लेंगे। इसको 8 फीट तक एक्सटेंशन कर देंगे, 8 फीट। तो यहीं पे देखिए हमारा जो रूम है, यहीं पे 2 बेडरूम है, यहीं पे 1 बेडरूम है, यहीं पे स्टेयर है, किचन, टॉयलेट एंड डाइनिंग हॉल। तो इसका जो विंडो पोजीशन है वो भी शेयर करते हैं। तो पहले यहीं पे इसको स्टेयर को बना लेते हैं 2 फीट। ये एंट्री का, मेन एंट्री का स्टेयर है। उसके बाद यहीं पे आ जाएगा विंडो एंड डोर का पोजीशन। इसके लिए हम रेफरेंस लाइन ले लेंगे 1 फीट नीचे, और इससे विंडो आएगा 4 फीट। तो गाइस यहीं पे एक बेडरूम है, तो इसका विंडो हम कट कर लेंगे। तो यहीं पे बेडरूम का जो विंडो है 4 फीट बाई 5 फीट है, और एक एक बेडरूम में 2 डबल विंडो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपका पॉसिबल होगा तो डबल रखिएगा, अदरवाइज सिंगल प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो इसी तरफ से जितना विंडो है मैं कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप जिधर जिधर विंडो का प्रोविज़न है हम बना लिया। देखिए ये पे डाइनिंग हॉल का है, और ये पे बेडरूम का 2 विंडो है, ये बेडरूम का पास वाला बेडरूम का भी 2 विंडो है। यहीं पे टॉयलेट का वेंटिलेशन है, तो यहीं पे छोटा सा होल बना दिया, और यहीं पे किचन बनेगा, तो किचन का वेंटिलेशन विंडो इस तरफ वाइट किया। तो यहीं पे इसी तरह से जिधर जिधर मेन डोर आएगा, हमारा डोर एंड मेन डोर आएगा बेडरूम का और मेन एंट्री का, तो उसको बना लेंगे। तो यहीं पे मेन डोर यहीं पे बनेगा। तो 3 फीट बाई 7 फीट बाई 3 फीट। तो इस तरफ इसको इस तरफ डोर बना लिया है, फिर इस तरफ भी डोर आएगा। तो इस हिसाब से जिधर जिधर हमारा डोर आएगा उसको हम ड्रा कर लेंगे। तो हमने देखिए डोर बना लिया, ये पे मेन डोर है, इसका स्टेयर हॉल है, स्टेयर हॉल से फिर एक डोर देखे डाइनिंग हॉल, लिविंग कम डाइनिंग हॉल में प्रवेश करना है। उसके बाद इस तरफ जो बेडरूम है उसका डोर यहीं पे सेट किया, और यहीं पे किचन का डोर है ये, और ये टॉयलेट का डोर है, और इस तरफ जो बेडरूम है 2 बेडरूम है, तो उसका डोर ये वाला एक है, यहीं पे है। तो गाइस हमारा जो डिज़ाइन है कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसी इस तरफ का डिज़ाइन हमने बनाया है। तो इसका जो पोजीशन है बेडरूम का, देखिए यहीं पे एंट्री इस तरफ था, उसके बाद यहीं पे स्टेयर है, उसके बाद लेफ्ट में आएगा बेडरूम, और जो 2 बेडरूम है वो इस तरफ है, और इस यहीं पे टॉयलेट है, ये किचन है, और ये डाइनिंग टेबल, ये सोफ़ा। तो लिविंग कम डाइनिंग हॉल जो है इस तरफ से सेट किया। तो इसका जो डिटेल्स है हम समझे देंगे। तो देखिए इस तरफ का
और बेडरूम का जो डोर है 3 फीट बाई 7 फीट है, और टॉयलेट का 7 फीट बाई 2.5 फीट, किचन का भी सेम रखा है, और विंडो बेडरूम में डबल विंडो रखा है 4 फीट बाई 5 फीट, 5 फीट उसका लेंथ है, 4 फीट हाइट है। तो चलिए इसको जो 2D है देख के हम डिटेल्स जो है एंड रूम का साइज जो है हम देख लेते हैं। तो चलिए, तो जैसे कि यहीं पे आप देख पा रहे हैं यहीं पे मेन एंट्री था, देखिए यहीं पे स्टीयर है, यहीं पे भी स्टीयर है, उसके बाद यहीं पे स्टीयर हॉल में पहुंचेंगे। तो इस तरफ का स्टीयर हम बना दिया है, और लेफ्ट में जो है बेडरूम है, यहीं पे भी बेडरूम है, यहीं पे लिविंग कम डाइनिंग हॉल, देखिए इस तरफ लिविंग कम डाइनिंग हॉल है, यहीं पे किचन, तो किचन को भी इस तरफ सेट किया, यहीं पे टॉयलेट है, और जो 2 बेडरूम है इस तरफ एक है, इस तरफ एक है, इस तरफ और इस तरफ एक है। तो चलिए इसका जो डिटेल्स है शेयर करते हैं। तो ये बेडरूम 1 है, ये बेडरूम 2 है, और यहीं पे बेडरूम 3, और हॉल इस तरफ हॉल है। तो टॉयलेट इस तरफ रखा था, यहीं पे टॉयलेट है, किचन को हम लोग इस तरफ सेट किया था, और ये स्टीयर हॉल है। तो इसका जो मेज़रमेंट है शेयर करते हैं। यहीं पे बेडरूम का जो मेज़रमेंट है 10 फीट 11 इंच बाई 12 फीट, बेडरूम का 12 फीट बाई 10 फीट, टॉयलेट का जो मेज़रमेंट है 4 फीट, और लेंथ आएगा 7 फीट 4 इंच, बेडरूम का 8 फीट किचन का 8 फीट 1 इंच इस तरफ है, इस तरफ 4 फीट 7 इंच है, और हॉल का साइज आपको मिल जाएगा 12 फीट 6 इंच बाई 13 फीट 7 इंच, और यहीं पे ये बेडरूम का साइज 10 फीट बाई 10 फीट 11 इंच, और स्टीयर हॉल का साइज आपको मिलेगा 10 फीट इसी तरफ है, और इस तरफ जो है 10 फीट बाई 10 फीट का जगह के अंदर स्टीयर को सेट किया। तो इसका जो कॉलम पोजीशन है, कॉलम पोजीशन में मार्क कर देते हैं, यहीं पे आउटसाइड का वॉल 10 इंच है, इनसाइड का वॉल 5 इंच है, तो हमने जो यहीं पे कॉलम प्रोवाइड करेगा वो 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम हमने प्रोवाइड करेंगे। तो 12 नंबर्स कॉलम यहीं पे ज़रूरत रहेगा, देखिए जिधर बॉक्स बनाया है इधर ही कॉलम आएगा, और फाउंडेशन भी इसी हिसाब से भी आएगा। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तो इसका बिल्डअप एरिया आएगा 23 × 37 850 square feet, एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा 11.9 अप्रॉक्स 12 लाख आप कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए ख़त्म करते हैं यहीं पे वीडियो को, थैंक यू।